उपचार करणारे एक अग्रगण्य हॉस्पिटल असलेल्या चेलाराम डायबिटीज इन्स्टिट्यूटतर्फे एका आंतरराष्ट्रीय मधुमेह परिषदेचे आयोजन 9 मार्च ते 11 मार्च 2018 दरम्यान हॉटेल JW मॅरियट पुणे येथे करण्यात आले आहे. ही चेलाराम डायबिटीज इन्स्टिट्यूटने आयोजित केलेली दुसरी आंतरराष्ट्रीय मधुमेह परिषद आहे. मधुमेह व त्यामुळे होणारे विविध आजार व त्यावरील उपचार याविषयी चर्चा करण्यासाठी अनेक जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ डॉक्टर व संशोधक या परिषदेमध्ये भाग घेणार आहेत. याशिवाय या परिषदेमध्ये जगभरातील नामवंत संस्था जसे की कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूट, गॉथनबर्ग विद्यापीठ, मेयो क्लिनिक, फ्लोरिडा विद्यापीठ USA, लंडन व मँचेस्टर विद्यापीठ इंग्लंड, टयुरिन विद्यापीठ इटली यातील 15 तज्ज्ञ भाग घेणार आहेत. भारतातून 50 डायबिटीज विशेषज्ञ संशोधक आपले संशोधनपर निबंध सादर करणार आहेत. त्याचबरोबर भारतातील 1600 डॉक्टर्स परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. चेलाराम डायबिटीज इन्स्टिट्यूटने या वर्षापासून चेलाराम फाउंडेशन डायबिटीज रिसर्च अवॉर्ड ची घोषणा केली आहे. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रमुख एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट डॉक्टर AG उन्नीकृष्णन म्हणाले की या परिषदेत जागतिक आरोग्य तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे आणि या माध्यमातून भारतातील व जगातील मधुमेहापासून ग्रासलेल्या लाखो लोकांना नवीन उपाय मिळेल. मेरा नाम डॉक्टर उन्नीकृष्णन AG है. मैं चेलाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट का CEO और चीफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ. हमें ये पता है कि आज भारत में लगभग 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हैं. जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको मधुमेह या डायबिटीज़ बोलते हैं. अगर डायबिटीज़ का इलाज हम ना करें तो ये हार्ट को, पैरों को, किडनी को और आँखों पर उसका असर हो सकता है. डायबिटीज़ का इलाज परहेज, डाइट, व्यायाम, दवाई, गोलियां और इंसुलिन इंजेक्शन और बहुत जब मोटापा भी है तो कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी भी डायबिटीज़ का इलाज माना जाता है. ये डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है ये दिन ब दिन बदलता जा रहा है. साइंटिफिक एडवांसेस आ रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि ये जो साइंटिफिक एडवांसेस हैं ये आम जनता तक पहुँचे डॉक्टरों के थ्रू, और इसीलिए हम दूसरी बार 2nd इंटरनेशनल डायबिटीज समिट पुणे में कर रहे हैं और इसमें लगभग 1700 डॉक्टर्स इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और भारत से और अंतर्राष्ट्रीय तल से लगभग 60 स्पीकर्स हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट प्रोफेसर एंड्रू बोल्टन भी शामिल हैं हमारे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और प्रोफेसर डेसमंड शैट्स जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हैं वो भी भाग ले रहे हैं. हम आशा करते हैं कि हमारे जो ये जो इंटरनेशनल डायबिटीज समिट के जो की लर्निंग्स हैं वो हमारे भारत के डॉक्टरों तक पहुंच जाए, और अगर वो और उन डॉक्टरों के ज़रिए जो करोड़ों लोग भारत में जिनको डायबिटीज़ हैं उनको इस डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस के प्रॉब्लम से कुछ राहत मिले. ये कॉन्फ्रेंस 9th to 11th मार्च 2018 में पुणे में है.